फाइनेंस की मैंने यहां तक बात कंप्लीट की थी, उसके बाद फिर डेट और इक्विटी फाइनेंस की तरफ चलते हैं। अब इक्विटी फाइनेंस क्या है, आप जानते हैं इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, वो इन्वेस्टमेंट जो ओनर खुद अपने पर्सनल एसेट्स से अपने बिजनेस के अंदर यूज करता है। अगर सोल प्रोप्राइटर है, अगर एक सोल प्रोप्राइटर है तो वो सोल प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस के अंदर, अगर पार्टनर है तो वो इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस के अंदर। This meeting is being recorded. और अगर चो तो The recording has stopped. अगर चे तो वो शेयर होल्डर है तो वो अपने बिजनेस में जो इन्वेस्ट करेगा, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चैट पर, प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करेगा, सोल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटरशिप में पार्टनर इन्वेस्ट करेगा, फर्म में शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेगा, कंपनी, ठीक हो गया। तो ये तीनों जो भी इन्वेस्ट करेंगे अपने अपने बिजनेस में वो इक्विटी फाइनेंस कंसिडर होगा। इसके अलावा भी इक्विटी फाइनेंसिंग हो सकती है। अच्छा, वेंचर कैपिटलिस्ट होता है, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, अभी आगे आएगा, ये नाम आपने सुना है, हो सकता है आपने एंटरप्रेन्योर में ये नाम सुने हो, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक हो गया, स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, ये पहले कभी सुना है बेटा? सर स्लीपिंग पार्टनर्स बताया था आपने, लेकिन बाकी वाले नहीं पता। ठीक है, अभी पता कर। सर एंजल इन्वेस्टमेंट आई थिंक वो इन्वेस्टर होते हैं जो सिर्फ मतलब आप उन्हें बिजनेस प्लान बताते हैं और वो इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाते हैं आपके बिजनेस प्लान से। यस यस यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, आप सही कह रहे हो, आगे इसकी मजीद डिटेल आएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो इक्विटी फाइनेंसिंग दैट फाइनेंस व्हिच इज इन्वेस्टेड या व्हिच इज अरेंज्ड फ्रॉम ओनर, जहां ओनर खुद अरेंज करता है, उस फाइनेंस को हम इक्विटी फाइनेंस कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इक्विटी फाइनेंसिंग की डेफिनेटली आपको एक कॉस्ट पे करनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके बिजनेस के अंदर इक्विटी लगा रहा हूँ, यानी मैं एज एन ओनर आ रहा हूँ आपके बिजनेस में, तो आप मुझे क्या देंगे उसके बदले? दुआएं, प्रॉफिट, डेफिनेटली प्रॉफिट देंगे, तो उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शायद मैंने आपको पहले बताया होगा। तो जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि इक्विटी फाइनेंस आपने अरेंज किया है, जहां से भी उसको आपने जो देना है, उसको जो आपने कीमत अदा करनी है उस इक्विटी की, उसको प्रॉफिट या डिविडेंड कहा जाता है। जब कंपनी लेवल पे बात करोगे तो इट विल बी कॉल्ड अ डिविडेंड, और अगर आप सोल और पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो उसको सिर्फ प्रॉफिट कहा जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि इक्विटी फाइनेंस जनरेट करने के लिए आपको उसकी कीमत अदा करनी है, दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कॉल्ड प्रॉफिट और डिविडेंड। ठीक है, प्रॉफिट कर लीजिए ताकि वो आपको आसान हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा ब्रॉडर हॉराइजॉन है उसका। तो लिख लीजिएगा अपने पास बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कॉल्ड प्रॉफिट, इक्विटी की कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी मुनाफे की शक्ल में। इज इट क्लियर? सर यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। हाँ बच्चे, ये फिक्स होती है ना? नहीं, फिक्स नहीं होता, प्रॉफिट फिक्स नहीं है बेटा। हाँ, प्रॉफिट की परसेंटेज फिक्स है। दो बातें गौर से सुन लो, प्रॉफिट की परसेंटेज फिक्स है, लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट वेरिएबल है। इंटरेस्ट की परसेंटेज फिक्स है और उसका अमाउंट भी फिक्स है। ठीक है, प्रॉफिट की परसेंटेज फिक्स है लेकिन उसका अमाउंट वेरी करता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, आप कहते हो मुझे आप 40% प्रॉफिट दोगे, तो कल अगर बिजनेस 1,00,000 रुपए कमाता है तो आप मुझे 40,000 दोगे, वो 2,00,000 कमाता 80,000 दोगे, वो 4,00,000 कमाता 1,60,000 दोगे। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, मैंने आपको 10,00,000 का कैपिटल दिया है, मुझे उस पर 10% चाहिए, तो उसका मतलब है कि मैं उसका 10,000 रुपए आपसे हर महीने चार्ज करूंगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो, चाहे आपको लॉस हो, चाहे आपको ह्यूज प्रॉफिट हो, चाहे आपको एबनॉर्मल लॉस हो। ठीक है, अब आप फिर एबनॉर्मल रहे या नॉर्मल रहे ये मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब है उस 10,000 रुपए से जो मैं इंटरेस्ट की फॉर्म में तय कर चुका हूँ आपके साथ।
ओके जी, तो प्रॉफिट की परसेंटेज फिक्स होती है, और अक्सर लोग जो बेचारे नए नए पढ़ते हैं खास करके इस्लामिक फाइनेंस, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि हर फिक्स चीज इंटरेस्ट होती है, नॉट एट ऑल, एवरी फिक्स्ड अमाउंट और एवरी फिक्स्ड परसेंटेज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंटरेस्ट, बस ये बात याद रख लीजिएगा, एक छोटा सा पॉइंट था। ओके बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ जाती है, डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें से अगर कोई की पॉइंट नोट करना है तो कर लो, अलबत्ता वो स्लाइड्स में आपको एक साथ क्लास के बाद 5, 6, 7 ये तीनों शेयर कर देता हूँ, नहीं अभी नहीं शेयर करूंगा, शाम में शेयर करूंगा, ठीक हो गया। ओके जी, तो रेजिंग फंड करेंगे, फंड रेज करेंगे हम लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, कंपनी के स्टॉक, अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करते हो तो आपको स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप स्मॉलर लेवल पर बात करते हो तो आपको खुद इन्वेस्ट करता है। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ इक्विटी फाइनेंस, इक्विटी फाइनेंसिंग की सोर्सेज क्या है। देखिए, इनिशियली देयर वर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड देन देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इक्विटी एंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेट फाइनेंस, ये बात याद रखिएगा, चाहे तो एक चार्ट बना लीजिएगा अपने पास रजिस्टर पे, ऊपर लिखिएगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फिर सोर्सेज को दो में डिवाइड कर दीजिएगा, डेट और इक्विटी, फिर उस इक्विटी के सोर्सेज में फिर ये जो जो पॉइंट्स आते रहे उनको लिस्ट करते रहे अपने पास, चार्ट बनाते रहेंगे, आपका फायदा होगा, खाते भी रहिएगा चार्ट और बनाते भी रहिएगा, ठीक है बेटा जी। यस सर। कौन है भाई, ये कौन काम कर रहा है, अच्छा जी, तो अब आते हैं उनकी सोर्सेस की जानिब। सेल्फ, सेल्फ का मतलब है कि आप कौन, बिजनेसमैन जो ओनर है जिसका अपना कैपिटल होगा, ओनर ठीक हो गया, ओनर ठीक है, तो ओनर खुद लगाएगा। अच्छा, ओनर कहाँ से लेकर आएगा वो पैसे, भाई उसके भी तो कोई सोर्सेस होने चाहिए ना सर, या तो उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा होगा या फिर वो मतलब उसके पास मॉर्गेज हो तो वो लोन ले ले। नहीं, लोन नहीं है बेटा, ये इक्विटी है सर। फिर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, मतलब उसके पास अच्छे पैसे होंगे, बिल गेट्स का कोई पोता होगा या कोई उसका बच्चा होगा, हालांकि बेचारा खुद अलग हो गया, अल्लाह माफ करे, स्मॉल बिजनेस में क्या जरूरत है बिल गेट्स की। हां सही बात है भाई, जब वो बिल गेट्स जो है वो उसका काम खराब हो सकता है तो फिर हम गरीब लोग तो फिर किसी कैटेगरी में नहीं आते। खैर, अपार्ट फ्रॉम जॉब छोड़ो, आगे बात करते हैं। तो सेल्फ का मतलब ये कि मुझे खुद पैसा अरेंज करना है। देखिए बेटा, इसके दो तीन बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हम नॉर्मली हमारे यहाँ मार्केट के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर इसको देखा जाता है। एक तो ये कि मेरे पास अपनी को पर्सनल सेविंग्स होंगी, ठीक है, उन सेविंग्स को मैं यूटिलाइज करूंगा। मिसाल के तौर पर पीरियडिकली मैं अपनी सैलरी से एक अमाउंट सेव करता रहा था और उसके TDRs बनवा के उसको बैंक में रखवा रहा था और वो फिर उसमें एडिशन हो रही थी। फाइनली जब वो 5 साल 10 साल 15 साल बाद मुझे पता चला कि बस मैं एक सफिशिएंट अमाउंट हो चुका है अब, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो ज्यादा हमारे यहाँ पे कंसिडर किया जाता है और फेमस, वो ये कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो रिटायरमेंट के वक्त आपको एक हैंडसम अमाउंट मिलता है, ठीक है, वो PF की फॉर्म में भी हो सकता है, वो ग्रेजुटी की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो आप उस अमाउंट, वो जो हेल्दी अमाउंट होता है, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, अपने किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। अपनी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लोगों ने अपने रिटायरमेंट के वक्त जो है वो पैसा जो यूज था, उन्होंने उससे कोई फैमिली बिजनेस एस्टेब्लिश किया और फिर उनके जो डिपेंडेंट्स थे या जो औलादें थी वो उन्होंने उसको आगे फिर कंटिन्यू किया। तो ऐसा बिल्कुल होता है। सेल्फ का मतलब है कि मुझे अपना फंड खुद लेकर आना है अपने पर्सनल रिसोर्सेज से। ये भी हो सकता है कि मैं अपना कोई एसेट बेच दूँ, मिसाल के तौर पर मेरी 2-3 properties हैं, 2-3 plots हैं मेरे पास, 2-3 घर हैं मेरे पास, तो वो मैं सेल आउट करके उसमें से जो अमाउंट आ रहा है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो अपनी को प्रॉपर्टी बेच सकते हैं आप, ठीक है, अपना एक पर्सनल सेविंग्स है, अपनी पर्सनल अमाउंट आपने बचाया हुआ था एक अरसे तक, आपने सोचा था कि भाई 10 साल 15 साल तक मैं उसको सेव करता रहूंगा, तो आई हैव अ सर्टेन अमाउंट और फिर उस अमाउंट को मैं यूज कर सकता हूँ। देन कम्स दी एंजल इन्वेस्टर्स। ये अभी किसने बताया था, किसी बच्चे ने अभी रिप्लाई दिया था कि ये नॉर्मली करते क्या है, ये आसान अल्फाज में ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आप इनको कन्विंस करते हो, ठीक है, कि भाई हमारे पास ये बिजनेस प्लान है और इस बिजनेस प्लान को हम एग्जीक्यूट करेंगे और आप हमारे पास इन्वेस्ट करें, ठीक है, ये आपकी बिजनेस मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते,
अगर आप समझना है तो आप उसको एज अ स्लीपिंग पार्टनर भी समझ सकते हो, ठीक है, स्लीपिंग इन्वेस्टर भी समझ सकते हो। आपको इन्हें एक रिटर्न देना होता है, ठीक हो गया, ये इन्वेस्टमेंट उसी सूरत में करेंगे जब आप इनको ज्यादा रिटर्न ऑफर करेंगे, यानी ये प्रॉफिट की परसेंटेज ज्यादा आपसे डिमांड करेंगे, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही सबसे मुश्किल होती है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही रिस्क होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो वो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, डेफिनेटली वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपको बिजनेस के शुरू में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट प्रोवाइड करते हैं और उस अमाउंट को आप यूटिलाइज करते हो एंड देन यू जनरेट प्रॉफिट। तो फिर आप उसको प्रॉफिट का एक सर्टेन हिस्सा भी देना होता है। अच्छा, फिर एक ये भी बात हो सकती है कि वो किसी सर्टेन लेवल पे आके आपसे ये भी एग्रीमेंट करें कि हम इनिशियल इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतने साल तक इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको हमारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न करनी होगी। लेकिन ये ज्यादातर वेंचर कैपिटलिस्ट करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली ये बिजनेस के हाई प्रॉफिट को चार्ज करते हैं और एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है आपके पास। ओके जी, तो आपको जब इनिशियली जो पैसा दे रहा है उसका राइट है कि वो आपसे ज्यादा चार्ज करे, क्योंकि आपके पास नहीं है, आपके पास आइडिया है, आप आइडिया सेल आउट करते हो इसके अंदर, और आइडिया अगर आपका सेल आउट हो जाता है तो डेफिनेटली फिर मसले को नहीं है, फिर आप आराम से उसको एग्जीक्यूट करते हो और फिर उनको प्रॉफिट प्रोवाइड करते हो। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? वेंचर का मतलब क्या होता है? वेंचर का मतलब पता है किसी को? सिंपल, VENTURE, वेंचर। आसान तरीन अल्फाज में वेंचर का मतलब कोई बताएगा मुझे बगैर गूगल किए, बगैर कोई डिक्शनरी खोले? यस बेटा, सारे कुल्लू फारिग आया, आया चैट पे जवाब आया। एनी प्रोजेक्ट, मेहरुन्निसा, ठीक है, मेहरुन्निसा आपको सम एक्सटेंट यू आर राइट, बिल्कुल प्रोजेक्ट हो सकता है। और कोई बेटा? अरे भाई देखिए, हमारी कोऑर्डिनेटर साहिबा आई अटेंडेंस लेने? नहीं आई, चलो फिर हम खुद ही अटेंडेंस ले लेते हैं। स्क्रीन कहाँ है? एक सेकंड ना बेटा, चलो मैं अटेंडेंस की तस्वीर ले लूं। करेक्ट, 15 लोग इस वक्त इन्वॉल्व हैं क्लास में, अभी थोड़ी देर पहले भी 15 ही थे। ओके, अच्छा अभी आया जवाब, आया अभी एंटरप्राइज ट्रेवल करना, अच्छा बेटा वो एडवेंचर है, वो वेंचर नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, तो वेंचर का मतलब आसान अल्फाज में कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा प्रपोजल जो किसी सर्टेन टाइम पीरियड तक लिंक्ड हो, बस ये बात याद रखिएगा, राइट। किसी पहला जो स्टेप होता है जो किसी खास मुद्दत के लिए होता है, एक तो ये बात याद रखिएगा, वेंचर के अंदर हमेशा टाइम पीरियड का आस्पेक्ट होगा, टाइम फिक्स्ड होगा, टाइम फिक्स है तो वो वेंचर है, अदरवाइज वो वेंचर नहीं है, ठीक हो गया। यानी आपने अगर टाइम स्पेसिफाई कर दिया है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैं आपकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट तक है, राइट, और वो प्रोजेक्ट जो है वो फॉर एग्जाम्पल 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में कम्प्लीट होगा, तो वो वेंचर या तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हाईलाइट करेगा जिसमें ज्यादा टाइम ही होता है, या वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जैसे अगर मैं बात करूँ मुझे किसी बिल्डिंग को बनाना है, ठीक है, तो बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग अगेन एक वेंचर है, राइट। अब अगर आप कहते हो भाई ये बिल्डिंग मेरी 5 साल में कंप्लीट हो जाएगी, तो ये एक वेंचर होगा, इसमें टाइम भी आ गया और वो सर्टेन टास्क भी आ गया, प्रोजेक्ट भी आ गया। तो वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? वो आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, किसी खास टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक हो गया। नॉर्मली अमाउंट ज्यादा होता है क्योंकि वेंचर्स या जो बिजनेस प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नॉर्मली ह्यूज अमाउंट के होते हैं। कोई नई प्रोडक्शन आपने करनी है, कोई नई नई साइट आपने ओपन करनी है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट कहलाते हैं जो आपके बिजनेस में किसी खास टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आप देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है VCs आर इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन द कंपनी आफ्टर द बिजनेस हैज बीन सक्सेसफुली रन फॉर सम इयर्स, यानी जब तक वो बिजनेस एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंच जाता उस वक्त तक वो रिस्क नहीं लेंगे आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कहलाती है, प्राइवेट इक्विटी फाइनेंस भी कहलाती है, ह्यूज अमाउंट होता है और किसी खास टाइम पीरियड के लिए होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक हो गया। और उस टाइम पीरियड में उनको हैवी रिटर्न्स जो है वो नजर आ रहे होते हैं जब भी वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, वरना कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये स्टोरी थी छोटी सी वेंचर कैपिटलिस्ट की।
देन कम्स दी रीटिंग. यहाँ तक बात समझ में आ रही है या मैं तेज गाम में पीछे बो गया ही नहीं है, मैं इंजन ही जा रहा है सीधा आगे? यस सर क्लियर है. हाँ पता चले मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ तो आप तो प्लेटफॉर्म पे चाय पी रहे थे, मैं निकल गया था आगे. अब तो चाय भी पी सकते हैं, पर आप रमजान में कहते हैं सर चाय पी रहे हैं तो फिर वो एक मसला हो जाता है. खैर तो जॉइंट वेंचर एग्जैक्टली यही होता है कि जब आप दो या तीन लोग मिलके कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और उसमें किसी एक बंदा की इन्वेस्टमेंट होती है तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट कहलाता है. और जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जॉइंट प्रोजेक्ट. ठीक है जी? जी सर. ओके बेटा अब चलते हैं रिटेन अर्निंग. ये रिटेन अर्निंग मैं पहले भी समझा चुका हूँ, मुझे कौन रिवाइज करवाएगा ये बताओ. ये सबसे आसान तरीन पॉइंट है और ये पॉइंट है भी नहीं कोई. चलो एक अजीब सी बात कर दी सर आपने. जो अपनी इन्वेस्ट जो आपने मनी सेव किया हुआ होता है उस मनी अपने पैसे को वो सेव किए हुए अपने पैसे को इस्तेमाल करना जो है ना ये रिटेन अर्निंग है. ठीक है और कोई? जी और कोई? जी बेटा और कोई? रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, द प्रॉफिट व्हिच इज होल्ड फॉर शाबाश सर. ओके 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 मनी सेफ फॉर फ्यूचर. बिल्कुल सही है सर, आप सारी सही कह रहे हो बेटा. रिटेन अर्निंग वो अमाउंट होता है जो आप रिटेन करते हो, यानी के वो प्रॉफिट का हिस्सा जो मैं होल्ड करके रखूं फ्यूचर के लिए ताकि मुझे फ्यूचर में काम आए, वो प्रॉफिट का हिस्सा जो मैं रिटेन कर लूं फ्यूचर के लिए ताकि मैं फ्यूचर में उसको इस्तेमाल कर सकूं. रिटेन अर्निंग इज दैट सेव्ड प्रॉफिट व्हिच इज यूज्ड इन फ्यूचर. अच्छा दैट कुड बी द एक्सपेंशन, पेमेंट ऑफ लोन्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, पेमेंट ऑफ प्रॉफिट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस, एक्सपेंशन, परचेज ऑफ इन्वेंटरी, परचेज ऑफ एसेट, मशीनरी वगैरह वगैरह. ये सारी बातें आपको पता है. मैं आपको फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि ये रिटेन अर्निंग कोई अलग सा सोर्स है ही नहीं. ये रिटेन अर्निंग इक्विटी और डेट का इनडायरेक्ट वर्जन है. आपको इसको एक्सप्लेन करके बताया मुझे. मैं आपसे कह रहा हूं कि रिटेन अर्निंग इज नॉट एन इंडिविजुअल सोर्स और अ थर्ड पार्टी सोर्स, इट्स एन इनडायरेक्ट वर्जन ऑफ इक्विटी एंड डेट फाइनेंस. इसको समझाए कोई मुझे कि मैं क्या कह रहा हूं. हाँ बेटा मैं आपसे कह रहा हूं रिटेन अर्निंग इज नॉट अ सेपरेट सोर्स, इट्स एन इनडायरेक्ट वर्जन ऑफ डेट एंड इक्विटी फाइनेंस. सर मैं ट्राई करूं? हाँ बिल्कुल ट्राई करें. सर इनडायरेक्ट वर्जन मींस के इक्विटी में हमारे पास जो है वो कुछ मतलब हमारे पास मॉर्गेज है ठीक है ना, और डेट फाइनेंस में हमने उसको जो है ना लोन प्रोवाइड किया. जो हमारे पास हमने जो इन दोनों के दरमियान का जो मतलब फाइनेंस है जिससे हमने लोन परचेज मतलब लोन लिया है अपना मॉर्गेज दिखाकर, तो हमारे पास जो रिटेन अर्निंग सेविंग अमाउंट जो आ रही है हम उसे कह सकते हैं. ओके और कोई कोशिश करें? जी बेटा और कोई कोशिश करें. शाबाश सर. इक्विटी फाइनेंस और डेट फाइनेंस एक्चुअली में क्या होता है कि हम अपने बिजनेस के लिए लाइक खुद से कुछ ले रहे हैं, मतलब इक्विटी फाइनेंस अपना ही अमाउंट होता है. इस तरीके से रिटेन अर्निंग ये है कि जो आप एक अर्न कर रहे हो जो भी मतलब अपने बिजनेस से उस प्रॉफिट को या जो उसका प्रॉफिट है वो अपना ही जैसे वो अपना ही एक तरीके से अमाउंट हो गया और अपने अमाउंट को ही यूटिलाइज करना. ठीक है अच्छा कोशिश आपने अच्छी की दोनों ने, अब मेरी बात सुन लीजिए. ये होता क्या है बेसिकली, देखें प्रॉफिट कब जनरेट होगा, जब आप फाइनेंसिंग करेंगे. फाइनेंसिंग कहाँ से करेंगे, या तो डेट से करेंगे इक्विटी से करेंगे. ठीक हो गया, तो जब तक फाइनेंसिंग ही नहीं होगी उस वक्त तक प्रॉफिट ही जनरेट नहीं होगा, एक बात. दूसरी बात, जो फंड्स आपने ऑब्टेन किए डेट या इक्विटी से
उन्हीं फंड्स को आपने इस्तेमाल किया ना, उन्हीं फंड्स को इस्तेमाल करके आपने प्रॉफिट जनरेट किया, और फिर उसी इस्तेमाल शुदा फंड्स का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट आपने सेव कर लिया। तो ये कोई अलग से तो सोर्स ना हुआ, ये उसी डेट और इक्विटी फाइनेंस को इस्तेमाल करके अमाउंट आया आपके पास। तो जब उसी को इस्तेमाल करके अमाउंट आ रहा है तो ये उसी का इनडायरेक्ट वर्जन है। इसकी और आसान एग्जाम्पल यूं ले लीजिए कि अगर मैं एक बिजनेस आज शुरू कर रहा हूं तो मेरे पास कोई रिटेन अर्निंग्स होंगी? नो सर। सिंपल इज दैट नो। ठीक है, इसके इसीलिए नहीं होंगी क्योंकि मैंने अभी उस फंड्स को इस्तेमाल ही नहीं किया जो मैंने हासिल किया इक्विटी या डेट से। मैं हासिल करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, फिर जनरेट करूंगा वो रिटेन अर्निंग्स। इसीलिए कहा जाता है कि रिटेन अर्निंग इज नॉट अ सेपरेट सोर्स, इट्स एन इनडायरेक्ट वर्जन ऑफ डेट एंड इक्विटी। अच्छा, ये कुछ लिंक्स हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं स्टार्टअप इन्वेस्टर्स और इंक्यूबेटर्स वगैरह के, जहां से आपको अंदाजा होगा कि ये वेंचर्स हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप इनको अच्छा प्रपोजल प्रोवाइड करें तो। ये आपकी काम है, ये आपने खुद देखना है इसको। मैं आगे बढ़ता हूँ। इक्विटी फाइनेंस की इंपॉर्टेंस क्या है? इक्विटी फाइनेंस की इंपॉर्टेंस ये है कि आपका फंड आपका होता है, रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। रिस्क फैक्टर इन द सेंस दैट कि आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, जबकि डेट फाइनेंसिंग में आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। क्यों नहीं रिस्क ले सकते? क्योंकि अगर डेट फाइनेंसिंग में आप रिस्क लेते हो और वो रिस्क जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका जो एसेट है, जो मॉर्गेज्ड एसेट है या जो भी आपने एसेट दिया, वैल्यूएबल्स दिए हुए हैं, उनका लॉस हो सकता है और आप रीपेमेंट नहीं कर सकते, आसान अल्फाज में डिफॉल्ट कर सकते हो। तो एक पैसा मेरे पास है ना, तो मैं उसका रिस्क ले सकता हूँ कि भाई ये तो मेरा ही है, मुझे किसी को वापस थोड़ी करना है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने किसी से लोन लिया हुआ है, मैंने किसी से उधार लिया हुआ है, और अगर मैं उसको वाइजली यूज नहीं करूंगा तो सर मैं आ जाऊंगा लॉस के अंदर, और अगर मैं उसमें लॉस में आ गया तो मुझे उसको जवाब भी देना है, राइट? तो मुझे उसको रिटर्न भी करना है, मुझे उसको प्रिंसिपल भी देना है, मुझे उसको इंटरेस्ट भी देना है। तो उसमें आप रिस्क कम ले सकते हो, इक्विटी फाइनेंस में आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। यानी कि आप हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाली स्टोरी है कि आप रिस्क ज्यादा लोगे क्योंकि आपका अपना कैपिटल होता है। फिर दूसरी बात ये कि किसी भी बिजनेस को अगर आप इक्विटी फाइनेंस से स्टार्ट करते हो तो एक बैक ऑफ द माइंड एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी ये होता है कि आप उसमें थोड़े से कम परेशान होते हो, यानी उसमें आप आसान अल्फाज में थोड़े से ईजी होते हो साइकोलॉजिकली, कि आपको पता होता है कि यार जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो आपका अपना है, तो आप उसको कंपैरेटिवली बेहतर माइंड के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसको कंपैरेटिवली लेसर प्रेशर के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, ज्यादा लेसर प्रेशर के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, और दूसरा रिस्क फैक्टर आपकी आप बिल्कुल आप ले सकते हो, ज्यादा रिस्क ले सकते हो, जो अगर डूबेगा भी तो आप खुद जिम्मेदार होंगे उसके। अगेन कुछ एडवांटेजेस इस वक्त आपके सामने, लेस बर्डन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इनिशियली आपको जब आप प्रॉफिट जनरेट नहीं भी करोगे तो आपको एटलीस्ट किसी को पे तो नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर आप डेट फाइनेंसिंग से स्टार्ट करते हो बिजनेस, तो अब आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको उसको इंटरेस्ट तो मंथली बेसिस पे देना ही देना है। लेकिन अगर आप इक्विटी फाइनेंसिंग से स्टार्ट करते हो तो चूंकि ओनर का ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से होता है ना, तो जरूरी नहीं है कि शुरू में प्रॉफिट हो और आप उसको प्रॉफिट ही देना पड़े। इट इज द पॉसिबिलिटी कि आप उसको शुरू में प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट दें, लेकिन नहीं भी हो रहा तो इन्वेस्टर उस लॉस के जो लोड होता है या जो उसका प्रेशर होता है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है कैपिटल के अंदर। इसीलिए मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि कैपिटल को ये कैपिटल के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक हो गया, तो कैपिटल के अंदर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है लॉस को, लेकिन डेट्स के अंदर लोन्स के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं होती लोन को जो लॉसेस को एब्जॉर्ब करने की। तो आपको शुरू में इनिशियली अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा तो आपको इसके परेशानी नहीं होती है कि ठीक है भाई अपनी इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल इन्वेस्ट हुआ हुआ है, मुझे एक टाइम पे एक सर्टेन परसेंटेज इंटरेस्ट की पे नहीं करनी है, तो उसमें थोड़ा सा बर्डन इशू हो जाता है। अच्छा जी, फिर जब डिफरेंट पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं या डिफरेंट इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो लाजिम बात है इन्वेस्टर जो आइडिया देगा, इन्वेस्टर जो ओपिनियन देगा, वो डेटर सॉरी वो क्रेडिटर नहीं दे सकता आपको। मैंने आपके बिजनेस को लोन दिया है, ठीक है, अब मेरी भला से आप कुछ भी करें, राइट? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैंने इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस के अंदर, तो मेरा जो ओपिनियन होगा या यूं कह लीजिए मेरी जो उसके साथ डिटर्मिनेशन होगी, या आप कह लीजिए कि मेरी जो उसके साथ लॉयल्टी होगी,
वो ज्यादा होगी बनिस्बत मैं अगर किसी क्रेडिटर होता हूँ तो उसके साथ हूँ, क्योंकि मैंने आपको लोन दिया है। हाँ, तो मैं आपके बारे में इतना फिक्रमंद इसलिए नहीं हूँ क्योंकि एक तो मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बींग अ बैंकर मैंने आपसे सिक्योरिटीज ली हुई है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरफेयर करने का ना राइट है ना मुझे जरूरत महसूस हो रही है, मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए टाइम पे और मुझे प्रिंसिपल वापस चाहिए। नहीं दोगे तो मैं आपको डिफॉल्टर कंसिडर करूंगा और आपकी प्रॉपर्टी को या आपके एसेट को या आपके वैल्यूएबल को सेल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्रेडिटर इज लीस्ट कॉन्शियस, या आप कह लीजिए कि उसको ज्यादा परवाह नहीं होती है बिजनेस के, लेकिन जो ओनर होता है उसको ज्यादा परवाह होती है, उससे आप फिर एक्सपीरियंस गेन करते हो ज्यादा ज्यादा इनकॉर्पोरेट हो गया उनके साथ। अच्छा जी, मसला क्या है? मसला यह है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा डिवाइड करना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा डिविजन होगी। अब अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप के कॉन्टेक्स्ट में तो ये फेवरेबल है कि भाई जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा मेरा अपना मिलेगा मुझे। लेकिन अगर आप बात करें वेंचर कैपिटलिस्ट की, बात करें एंजल इन्वेस्टर की, बात करें स्लीपिंग पार्टनर की, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट भी ज्यादा देना पड़ेगा उसे, ठीक है। और लाजिम बात है मेहनत आप कर रहे हो, प्रॉफिट का परसेंटेज वहां ज्यादा जा रहा है तो ये थोड़ा सा एक धचका होता है। फिर कंट्रोल इन द सेंस दैट जो जितना इन्वेस्ट करेगा उतना ज्यादा वो उस बिजनेस पे अपना कंट्रोल इन्फोर्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो आप मेजर डिसीजन मुझसे पूछा बगैर नहीं ले सकते, लेकिन अगर मैंने आपको लोन दिया है और आपने इनिशियल फिजिबिलिटी मुझे दे दी, अब आप उस पैसे को कुछ भी करें मैं आपसे कंसर्न नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली आपकी मैनेजमेंट का हिस्सा भी नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली आपकी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा भी नहीं हूँ। तो वो कंट्रोल आपका कंपैरेटिवली डेट फाइनेंसिंग में इसलिए ज्यादा होता है कि आप फ्री होते हो उस पैसे को इस्तेमाल करने में, जबकि इक्विटी फाइनेंसिंग में आप फ्री नहीं होते, आपको सारे इन्वेस्टर्स सारे कैपिटलिस्ट को साथ में मिला के चलना पड़ता है। लोन तो आपको एक दफा मिल जाएगा फिजिबिलिटी के, उसके बाद बैंकर आपसे घर पे आके आपके ऑफिस पे आके आपकी फैक्ट्री पे आके पूछेगा नहीं कि मेरा पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, दिखाओ मुझे। लेकिन जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो आपको कह सकता है कि दिखाओ मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, बताओ कौन सा एसेट खरीदा है और बताओ कितनी इन्वेंट्री आई है और बताओ कितना रॉ मटेरियल आया है, ठीक है। और फिर उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक हो गया जी। अगेन डिसाइडिंग फैक्टर यानी कि कौन सा बेहतर है, या आपसे अभी बात हुई हमारी कि किस तरह से डेट और इक्विटी को आप डिसीजन लेंगे, इक्विटी में किस हद तक इक्विटी डिवाइड करनी है उसमें डिविजन हो सकता है, राइट। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो कंट्रोल आपका ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, 70% इक्विटी मैं लगा रहा हूँ, 30% इक्विटी मैं एक और पार्टनर से ले रहा हूँ, तो लाजमी बात है जब मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो मेरा इन्फ्लुएंस या मेरा कंट्रोल भी उस पर कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। यहाँ तक इक्विटी फाइनेंसिंग की कहानी थी, ये बात समझ में आई है तो बताइए तो मैं आगे बढ़ूं। Still we have got 15 minutes. सर आ गई। हाँ बेटा जरा जो जाग रहे हैं वो बता दीजिए ताकि मुझे फिर कंटिन्यू करने में आसानी हो जाए। शाबाश बेटा। जी सर आ गई। जाग रहे हैं बच्चे, जाग रहे हैं, सो नहीं रहे। 4-5 तो बच्चे प्रॉपर जाग रहे हैं, ज्यादा जाग रहे हैं, 6-7 भी जाग रहे हैं। जैन सो रहा है, जैन लगता है ऑनलाइन होके कहीं चला गया है। जैन कहीं चला गया ऑनलाइन होके। जैन कहाँ हो बेटे? नहीं है, सो रहा है। अच्छा तरीका, ऑनलाइन होके चले जाओ, किसने देखना है आपको पीछे मुड़ के, ठीक है, चलो गुड है। डेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं बेटा। डेट फाइनेंसिंग अगेन लोन हासिल करना किसी खास टाइम पीरियड के लिए, याद रखिएगा जहां वर्ड डेट आएगा वहां पे एक फिक्स टाइम पीरियड आएगा, वहां एक फिक्स इंटरेस्ट रेट आएगा और वहां एक मॉर्गेज या सिक्योरिटीज होंगी। ये तीन फैक्टर्स होंगे, मैं चैट पे लिख देता हूँ आपके साथ। अच्छा अब मैं भी जरा थोड़ा सा हाथ पांव हिलाऊं। ओके जी, तो डेट फाइनेंसिंग की बात कर रहे थे हम, तो हम डेट फाइनेंसिंग में हम कहते हैं फिक्स्ड अमाउंट होगा यानी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट होगा। अच्छा अब ये इंटरेस्ट परसेंटेज में भी हो सकता है और रुपीज में भी हो सकता है, इसकी अभी डिस्क्रिप्शन बताता हूं उसका क्या मतलब है, ठीक है। और रीपेमेंट टाइम फिक्स्ड, रीपेमेंट टाइम पीरियड भी फिक्स होगा रीपेमेंट का,
सर ये जो फिक्स इंटरेस्ट के ब्रैकेट में आपने परसेंटेज और रुपीज लिखा है इसका मतलब बता दीजिए भाई। इसका मतलब ये है कि एक बंदे ने आपको 10 लाख रुपए दिए, वो कहता है मैं हर महीने 1 लाख रुपए लूंगा, या वो कहता है मैं हर महीने 10,000 रुपए लूंगा, या वो कहता है मैं हर महीने 10% लूंगा। बात तो एक ही है, वो अमाउंट फिक्स कर दे, वो परसेंटेज फिक्स कर दे, उस अमाउंट को आप डिवाइड कर दें प्रिंसिपल अमाउंट से तो परसेंटेज आ जाएगी, उस परसेंटेज को आप अप्लाई कर दें मल्टीप्लाई कर दें फिक्स अमाउंट पे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा, रुपीज आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है और अल्टीमेटली दोनों का मतलब एक ही होता है, परसेंटेज से रुपीज और रुपीज से परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। रीपेमेंट टाइम फिक्स होता है, यानी आपने जिस टाइम पे लोन लिया है वहां पर ही तय करना पड़ेगा कि वापस कब देंगे आप, और जब वापस देंगे कोई टाइम कंसिडर होगा रीपेमेंट का, और इसी तरह रीपेमेंट की वैल्यू भी कंसिडर होगी। जितना टाइम बढ़ाएंगे रीपेमेंट का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। 10 लाख रुपए ले रहे हो 1 साल के लिए, वो कहता है ठीक है 1 साल बाद 11 लाख लूंगा, 2 साल बाद 13 लाख लूंगा, 5 साल बाद 14 लाख लूंगा, 15 साल बाद 20 लाख लूंगा, 25 साल बाद 25 लाख लूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो टाइम पीरियड बढ़ाते चले जाए रीपेमेंट का अमाउंट उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करता जाएगा। ओके जी, अगेन टाइम बाउंड एक्टिविटी है, मैंने आपको कहा सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि टाइम है तो डेट है। इक्विटी और डेट का बेसिक डिफरेंस टाइम होता है, इक्विटी के अंदर टाइम नहीं होता अनलेस एंड अंटिल वेंचर कैपिटलिस्ट में आप डिसाइड कर लें, ठीक है। और जो डेट फाइनेंसिंग है उसमें टाइम ही का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है कि उस टाइम के बिहाफ पर ही रीपेमेंट का अमाउंट जो है वो डिटरमाइन होता है। सोर्सेस क्या है बेटा, लोन्स सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी। बैंक चले जाएं, किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से रिलेटिव से लोन ले लें अगर आपको कोई दे सकता है तो, ठीक है। और बॉन्ड्स इशू कर दें, कंपनी लेवल के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स भी इशू हो सकते हैं। फिर ट्रेड क्रेडिट होता है, ये ट्रेड क्रेडिट वही है जो आप अकाउंट्स पेबल और नोट्स पेबल और इसके अंदर डील करते हो। मतलब क्या है, मतलब सिंपल ये है कि आप कोई ऐसा अमाउंट जो आपको आज पे करना था उसको आप डेफर कर देते हो फ्यूचर के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सामने इस पर ग्लास और ग्लास में पानी है, जरा मैं पानी पी लूं फिर बताता हूं। तो उस वक्त मेरे सामने ग्लास है, ये ग्लास मुझे खरीदने हैं 50,000, ठीक हो गया। तो मैं कहता हूँ कि भाई इसकी पेमेंट जो है वो 50,000 के ग्लास, मतलब 50,000 ग्लास नहीं, 50,000 के ग्लास खरीदने हैं। तो मैं कहता हूँ भाई इस वक्त मेरे पास पेमेंट नहीं है, मैं इसको डेफर कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए, दैट मीन्स ये पेमेंट मैं अभी नहीं करूंगा बाद में दूंगा, तो ये ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। कहते हैं ठीक है सर, आप 1 हफ्ते बाद 1 महीने बाद 15 दिन बाद जो भी मेरा और उसके दरमियान टाइम एग्री होता है उस टाइम पे मैं वो पेमेंट कर दूंगा, तो ये ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। ये भी लोन ही की काइंड है, ये क्रेडिट की काइंड है बेसिकली, और क्रेडिट इज अ काइंड ऑफ लोन, ये आप कह सकते हैं अगर ब्रॉडर हॉराइजॉन में इसको बात करें तो। फिर इंस्टॉलमेंट परचेजेस, इंस्टॉलमेंट परचेजेस का मतलब क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एसेट जिसको मुझे फुल पे करना है मैं उसको फुल नहीं पे कर रहा बल्कि मैं उसको पार्शियल पे कर रहा हूँ। पार्शियल पेमेंट कहलाती है डाउन पेमेंट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लाख का एसेट है तो कहता है सर मैं इसकी 10% डाउन पेमेंट लूंगा, तो 1 लाख रुपए मुझे उसको देने हैं एज अ डाउन पेमेंट, और बाकी के जो 9 लाख रुपए वो पीरियडिकली मुझे पे करने होंगे, और वो जो पीरियडिकली मैं पे करूंगा और जब तक मैं आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करूंगा एसेट मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा, वो एसेट की ओनरशिप उसी के नाम पे रहेगी, ठीक हो गया, पेपर्स उसी के नाम पे रहेंगे, या वो ओनरशिप ट्रांसफर भी करता है तो आपसे मॉर्गेज डीड साइन करवा लेगा, ठीक हो गया, कि आप उसको मॉर्गेज कर देते हो। आसान अल्फाज में एसेट की 100% ओनरशिप आप तक या उसका 100% कंट्रोल आप तक ट्रांसफर नहीं होगा जब तक आप उसकी फुल पेमेंट नहीं कर देते। तो इंस्टॉलमेंट परचेजेस बिल्कुल आप इंस्टॉलमेंट पर खरीद सकते हो, एडवांस नहीं कहेंगे बेटा इसको, इसको डाउन पेमेंट ही कहते हैं, ठीक हो गया। एडवांस उस सूरत में कंसिडर होगा जब आप पहले पेमेंट दे रहे हो और एसेट आपको बाद में मिल रहा है, यहाँ पे उसी टाइम पे एसेट भी मिल रहा है और उसी टाइम पे पेमेंट हो रही है इसलिए उसको डाउन पेमेंट कहते हैं। तो इंस्टॉलमेंट परचेजेस अगेन बहुत फ्रीक्वेंट है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है जितना ये इंटरनेशनल मार्केट में या अमेरिका की साइड पर है। मेजॉरिटी वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी गाड़ियां घर ये सारी चीजें मॉर्गेज भी होती हैं और उनको बड़ी आसानी से सिंपल टर्म्स के ऊपर मिल भी जाती हैं। अच्छा जी, तो ये कुछ सोर्सेस हैं, एसेट बेस्ड लेंडर्स होते हैं, आप एसेट जो है वो किसी पर्टिकुलर एसेट को मॉर्गेज कर देते हो और उस एसेट के बिहाफ पे लोन ले लेते हो। अच्छा, फिर ये रिसीवेबल्स भी ट्रांसफर होते हैं, ये किसी और दिन बताऊंगा क्या होता है, रिसीवेबल और पेएबल्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं। बॉन्ड्स होते हैं, अगेन ये कंपनी लेवल पर है, स्मॉल बिजनेस के लेवल पर नहीं है। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आप ऑफर करते हो जनरल पब्लिक को, जिस तरह आप शेयर्स ऑफर करते हो उस तरह बॉन्ड्स ऑफर करते हो, लोग बॉन्ड खरीदते हैं और उस बॉन्ड के बिहाफ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है, जो बॉन्ड खरीदेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसका रीपेमेंट भी टाइम होता है और
रीपेमेंट टाइम के साथ उसकी उसका एक रिडेम्पशन, उसकी एक रिडेम्पशन वैल्यू भी होती है। फॉर एग्जांपल आज मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे 100 रुपए दो, मैं आपको एक बॉन्ड साइन करके दूंगा, एक लीगल पेपर होता है, ठीक हो गया, उस पर लिखा हुआ होता है कि कंपनी जो है वो मिस्टर सो एंड सो को ये बॉन्ड इशू कर रही है, 100 रुपए का बॉन्ड है। उस 100 रुपए का बॉन्ड पे मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा हर साल, और 10 साल बाद वो बॉन्ड आपको 120 रुपए का रिटर्न ले लूंगा आपसे। यानी आज 100 रुपए ले रहा हूँ और बॉन्ड इशू कर रहा हूँ, हर साल 10% इंटरेस्ट दूंगा, ये 10% अलग है, और 5 साल के बाद आपको 120 रुपए रिटर्न करूंगा मैं, जो 100 रुपए लिए थे वो 120 रुपए रिटर्न होंगे, प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, ठीक हो गया। तो इसे बॉन्ड्स कहा जाता है, ये भी लोन ही की एक काइंड है। डेट फाइनेंसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? डेट फाइनेंसिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस टाइम पीरियड के लिए लोन ले रहे हो, जिस टाइम पीरियड के लिए वो डेट आप ऑब्टेन कर रहे हो, उसी टाइम पीरियड में वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि अगर मैं कोई रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लोन ले रहा हूं, तो मैं उस टाइम पीरियड में न सिर्फ ये रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाऊंगा, बल्कि उस फिनिश गुड को सेल आउट भी करूंगा, ताकि मैं प्रॉफिट भी अर्न कर सकूं और इंटरेस्ट भी पे कर सकूं और रीपेमेंट कर सकूं, उसकी प्रिंसिपल की रीपेमेंट भी कर सकूं मैं आपको। तो याद रखिएगा, डेट उतने टाइम का लें जितने टाइम में उस डेट से हासिल किया हुआ पैसा वाइजली इस्तेमाल हो जाए। तो मुझे ये देखना है कि जिस टाइम पीरियड के लिए मैं पैसा ले रहा हूँ, उसी टाइम पीरियड के लिए पैसा इस्तेमाल हो भी रहा है और वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट जनरेट कर रहा है या नहीं। फायदा, मैंने आपसे भी कहा कंट्रोल आपका ज्यादा होता है इसके ऊपर, ठीक है, कि आप पेमेंट कर रहे होते हो, आप रिसीविंग्स कर रहे होते हो, आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो, डिसीजन आपका अपना होता है, लेंडर को उसमें कोई कंसर्न नहीं होता, क्रेडिटर को कंसर्न नहीं होता। टैक्स एडवांटेज होता है क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो आपका एक्सपेंस है, जब आप एक्सपेंस कंसिडर करोगे तो आप प्रॉफिट आपको कम हो जाएगा और उसमें इंटरेस्ट भी कम देना पड़ता है आपको, राइट। और अगर आप इक्विटी फाइनेंसिंग की बात करें तो इक्विटी फाइनेंसिंग में जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो प्योर प्रॉफिट होता है और उस पर टैक्स आपको ज्यादा देना होता है, और इस पर कंपेरेटिवली आपका टैक्स कम हो जाता है क्योंकि इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। इजियर प्लानिंग, अगेन वही है, डिसाइड उसके ऊपर, कंट्रोल के ऊपर है। डेट फाइनेंसिंग की डिसएडवांटेजेस क्या है, राइट, बहुत केयरफुली आपको यूज करना होता है, कोलेटरल का मतलब है वो सिक्योरिटीज है। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाए रीज्वाइन कीजिएगा, फिर ये जब तक ये बात कंप्लीट नहीं होगी मैं स्लाइड खत्म नहीं करूंगा, उस वक्त क्लास एंड नहीं होगी। मीटिंग खत्म हो जाए रीज्वाइन कर लीजिएगा, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है बेटा। तो आप रीज्वाइन कीजिए, फिर मैं इसे आपका ज्यादा होता है, फायदा ये है। और रिस्क क्या है, कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब होता है आपने वो सिक्योरिटीज देनी होती है जिसके बिहाफ के ऊपर आपको लोन मिलेगा, वो एसेट आपका मॉर्गेज हो जाता है। अगर कल आप डिफॉल्ट कर जाते हो तो वो एसेट उस पर्टिकुलर क्रेडिट की ओनरशिप में आ जाता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपको अपनी फाइनेंशियल जजमेंट उस लेवल पे रखनी है कि जिसमें रिस्क फैक्टर इतना हो कि जिससे रिकवरी आसान हो जाए, राइट। जब रिकवरी आसान होगी, जब रिस्क फैक्टर कम होगा, तो लोन की रीपेमेंट भी आसान होगी, इंटरेस्ट की रीपेमेंट भी आसान होगी, इंटरेस्ट की पेमेंट भी आसान होगी, लोन की रीपेमेंट भी आसान होगी। डिसाइडिंग फैक्टर अगेन, कितना इंपॉर्टेंट है ये लोन आपके लिए, इस लोन को आप कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इस लोन की जो मंथली पेमेंट्स बनेंगी उसको पे करने के लिए कि आपके पास सफिशिएंट मंथली कैश इनफ्लो क्रिएट होगा, जितना कोलेटरल चाहिए इस लोन के लिए, जितनी सिक्योरिटीज चाहिए, क्या उतनी सफिशिएंट सिक्योरिटीज हैं आपके पास, क्या आप उतना रिस्क ले सकते हैं उन सिक्योरिटीज को रखवाने का, और फाइनली क्या आप रीपेमेंट से पहले पहले फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियली लिक्विड होंगे कि ये सारा अमाउंट आप रीपे कर सकें और अपना जो कोलेटरल है वो छुड़वा सकें वहां से। तो ये आपने देखना होता है कि डेट फाइनेंसिंग के अंदर कि आप कहाँ तक रिस्क ले सकते हैं और कितने परसेंट तक आप रिस्क लेंगे और कितना वो अमाउंट जनरेट करेगा। चलें, यहाँ पे ये डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग की और फाइनेंस की जो स्टोरी थी वो अपने अख्ताम को पहुंची, और अब अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए, और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं क्लास को वाइंड अप करूं। जी बेटा, थोड़ा सा आज मैं तेज चला हूं, मुझे अंदाजा है, अब थोड़ा सा पेस बढ़ेगा आपका, राइट, जरूरी है, नीड ऑफ एन आर, वक्त की जरूरत। जी बेटा, कोई सवाल है तो पूछिए प्लीज। अरे सारे के सारे सो रहे हो? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं है, ठीक है, चले फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली क्लास में। जिंदगी बखैर, आज कंपैरेटिवली तो कम गर्मी है कल से, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा, डिहाइड्रेशन ना होने दीजिएगा। ड्राई वेदर होता है, अमूमन ड्राई वेदर के अंदर, ड्राई वेदर के कराची के लोग आदि नहीं है, हम लोग ह्यूमिड वेदर के आदि होते हैं, ठीक है।
ह्यूमिड वेदर के अंदर वैसे भी चूंकि स्वेटिंग ज्यादा होती है तो प्यास ज्यादा लगती है, आप ज्यादा पीते हो। ड्राई वेदर में ये होता है कि आपको स्वेटिंग कम होती है बट पानी की प्यास आपकी इंटरनली तो जरूरत होती है, आपको फील नहीं होती। तो पानी जितना ज्यादा पियेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बशर्ते जिंदगी हो दस्तयाबी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर इंटरनल के मार्क्स तो बता दें।